go across quickly to New York, where the moment has arrived where External Affairs Minister Sushma Swaraj is about to make her address. Let's listen in. Good morning. Honorable President. मैं अपनी ओर से और अपने देश की ओर से on behalf of India and on my own behalf इस 71वें अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए चुने जाने पर बधाई देती on his election as president of the 71st श्री बान की मून जी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के तौर पर जिन्होंने सेवाएं की हैं उनको धन्यवाद देती हूं अध्यक्ष जी एक वर्ष पहले मैंने इसी पवित्र मंच से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया था तब से लेकर आज तक विश्व में बहुत परिवर्तन हुआ है कुछ अच्छा कुछ बुरा और कुछ बहुत चिंता देने वाला यह एक मंच है जहां हम तमाम घटनाक्रमों पर चर्चा करते हैं आज भी करेंगे लेकिन चर्चा करते समय यह जरूर देखेंगे कि समीक्षा उन कामों की भी हो जो हमने किए हैं और समीक्षा उन कामों की भी हो जो हम नहीं कर पाए हैं अध्यक्ष जी इस गरिमामय महासभा में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई है जैसे एएमआर के लिए नए टीकों को साझा करना सस्ती दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए सैंडई ढांचे को लागू करना मानव संसाधनों को मुक्त और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सैनिक भेजने वाले देशों के साथ विचार विमर्श करना समय के अभाव के कारण मैं इन मुद्दों को नहीं दोहराना चाहूंगी लेकिन कुछ ऐसे मुद्दों का उल्लेख जरूर करना चाहूंगी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं अध्यक्ष जी आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है विश्व के कोने कोने में फैली हुई गरीबी को मिटाना और यह सुनिश्चित करना कि हम सभी जरूरतमंद लोगों तक समृद्धि पहुंचा सकें हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच लैंगिक समानता हो और महिलाओं को सुरक्षा मिले हम विश्व शांति के लिए कार्य करना है क्योंकि शांति के बिना समृद्धि नहीं आ सकती श्री पीटर थॉम्सन इसलिए अभिनंदन के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने इन्हीं चुनौतियों के महत्व को समझते हुए इस महासभा के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी टिकाऊ विकास के लक्ष्य को सबसे उच्च प्राथमिकता दी है 17 लक्ष्य हैं 2030 तक का एजेंडा लेकिन मुझे आपको कहते हुए खुशी है कि मात्र 2 साल में ही इन 17 में से अधिकतर लक्ष्यों को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल कर लिया है सैनिटेशन यानी स्वच्छता उसके अंतर्गत हमने स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा है जिसके अंतर्गत 2 लाख विद्यालयों में 4 लाख शौचालय बनकर तैयार हो गए हैं और काम कर रहे हैं इसी तरह जेंडर इक्वालिटी उसके नीचे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक देशव्यापी अभियान बन गया है और महिलाओं ने इसका बीड़ा अपने सर पर उठाया है हमारे यहाँ लाखों लाख जनप्रतिनिधि महिलाएं चुनकर आई हुई हैं वो स्वयं इस अभियान को आगे बढ़ा रही मेक इन इंडिया जिसका आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है उसके कारण विदेशी पूंजी निवेश भी आ रहा है और हमारे अपने बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है एक और बड़ी योजना गरीबों के लिए जनधन योजना ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना है इसके अंतर्गत 25 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं डिजिटल इंडिया बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है भारतीय युवाओं को कौशलयुक्त बनाने के लिए अनेकानेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं जिनसे हमारे युवा अपनी क्षमताओं का समुचित विकास कर सकेंगे इस तरह की पहलों से भारत की विकास यात्रा में नए आयाम जुड़े हैं और आज आर्थिक मंदी के दौर में भी भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है अध्यक्ष जी हम सब जानते हैं कि मानवता का 1/6 हिस्सा भारत में रहता है इसलिए यदि भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये टिकाऊ विकास लक्ष्य सफल होंगे तभी विश्व में सफल हो सकेंगे हम एजेंडा 2030 को पूरे मनोयोग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं हमने तय किया है कि संसद के हर सत्र में एक दिन केवल
SDGs पर हम चर्चा किया करेंगे ताकि इनकी प्रगति पर सतत निगरानी रखी जा सके और मुझे विश्वास है कि इससे बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। एजेंडा 2030 को सफल बनाने के लिए वैसे तो सभी देश अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलता रहेगा तो वो भी इसमें और ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष, मैं दूसरा विषय ले रही हूँ जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन एक और ऐसा मुद्दा है जो हमारे सामने एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। प्रकृति के पास संपदा तो अपार है, लेकिन उतनी ही जितनी वो मनुष्य की ज़रूरत को पूरा कर सके, इतनी नहीं कि वो उसके लालच का पेट भर सके, क्योंकि लोभ की तो कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सिद्धांत दिया है, क्लाइमेट जस्टिस, जलवायु न्याय। और हम ये मानते हैं कि अगर प्रकृति के साथ हम न्याय करें तो वो हमारे और हमारी भावी पीढ़ियों के साथ न्याय करेगी, लेकिन यदि हम उसका अंधाधुंध दोहन करेंगे तो वो क्रोधित हो जाएगी और अपना रौद्र रूप दिखाएगी। हम देख रहे हैं दुनिया में कई जगह पर प्रकृति अप्राकृतिक हो उठी है, कहीं भयंकर वर्षा, कहीं घनघोर गर्मी, कहीं झंझावात, कहीं सुनामी, कहीं बादलों का फटना। ये समय का तकाजा है कि अब हम असीमित खपत पर रोक लगाएं और अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं। योग इसका एक बड़ा माध्यम बन सकता है। योग भारत का वो प्राचीन ज्ञान है जो एक टिकाऊ जीवन शैली का प्रतीक है। पिछले 2 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो अपार समर्थन आप सबसे मिल रहा है, मैं आज इस मंच से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष जी, पेरिस समझौते में कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज के सिद्धांत को स्वीकारा गया है, जिसका अर्थ है कि जिम्मेदारी तो सबकी साझी है लेकिन देनदारी सबकी अलग अलग। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सभी की भलाई के लिए तकनीक भी दें और धनराशि दें, तभी ये कार्यक्रम सफल होगा। हमने अपने देश में बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई है जिसमें हमने वर्ष 2030 तक 40% ऊर्जा नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हमें एक निश्चित वातावरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि बाहर से पूंजी निवेश करने वालों को वातावरण की निश्चिंतता चाहिए और हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन भी हमारी एक अभिनव पहल है, जिससे सौर तकनीक सभी को उपलब्ध हो सकेगी। मैं इस मंच से ये विश्वास दिलाती हूँ कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। और मुझे आपको खुशी है ये बताते हुए कि हमने निर्णय किया है कि पेरिस समझौते के लिए भारत अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन 2 अक्टूबर को जमा करा देगा। और ये स्थिति हमने सोच समझ कर चुनी है क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस है, जिनका संपूर्ण जीवन प्रकृति के संरक्षण को ही समर्पित रहा। अध्यक्ष जी, अब मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रही हूँ जिस पर इस सभा में बैठा हर व्यक्ति चिंतित है और चिंतित ही नहीं सोचने पर मजबूर है। इसी महीने इस शहर में हुए 9/11 आतंकी हमले की 15वीं वर्षगांठ थी। पिछले 15 दिनों में इसी शहर में एक और आतंकी हमले में मासूमों को मारने की कोशिश की गई थी। हम इस शहर के दर्द को समझते हैं। हम पर भी उरी में इन्हीं आतंकी ताकतों ने हमला किया था। विश्व इस अभिशाप से बहुत समय से जूझ रहा है, लेकिन आतंकवाद का शिकार हुए मासूमों के खून और आंसुओं के बावजूद इस वर्ष काबुल, ढाका, इस्तांबुल, मागादिशु, ब्रसेल्स, बैंकॉक, पेरिस, पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमले और सीरिया और इराक में रोज़मर्रा की बर्बर त्रासदियाँ हमें ये याद दिलाती हैं कि हम इसे रोकने में सफल नहीं हो रहे। अध्यक्ष जी, यहाँ बैठे सब लोगों को पहले तो एक बार ये स्वीकारना होगा, यदि हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं तो, कि आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। सबसे पहले हम इसे स्वीकारें, आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है, क्योंकि वो निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है, बेगुनाहों को मारता है,
वो किसी व्यक्ति या देश का नहीं बल्कि मानवता का अपराधी है। और उसके बाद देखना होगा कि इन आतंकवादियों को पनाह देने वाले कौन कौन हैं। आतंकवादियों का न तो कोई अपना बैंक है, न हथियारों की फैक्ट्रियां, तो कहां से उन्हें धन मिलता है? कौन इन्हें हथियार देता है? कौन इन्हें सहारा देता है? कौन इन्हें संरक्षण देता है? ऐसे ही सवाल इसी मंच से अफगानिस्तान ने भी कुछ दिन पहले उठाए थे। अध्यक्ष जी, इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी हिंसक विचारधारा के बीज बोए हैं उसका कड़वा फल उसे खाने को मिला है। ये छोटे छोटे आतंकवादी समूह जो छिटपुट काम कर रहे थे, आज इन समूहों ने मिलकर एक राक्षस का रूप धारण कर लिया है, जिसके अनगिनत हाथ हैं, अनगिनत पांव हैं, अनगिनत दिमाग हैं और साथ में है अति आधुनिक तकनीक। इसलिए अब अपना या पराया, मेरा या दूसरे का आतंकवादी कहकर हम इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। पता नहीं ये दैत्य किस समय किस तरफ का रुख कर लेगा। इसलिए यदि हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, हम अपने मतभेद भुलाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, उसका मुकाबला दृढ़ संकल्प से करें और अपने प्रयासों में तेजी लाएं। हमें पुराने समीकरण तोड़ने होंगे, अपनी पसंदगियां नापसंदगियां एक तरफ रखनी होंगी, मोह त्यागने होंगे, एहसानों को भूलना होगा और एक दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठे होकर इस आतंकवाद का सामना करने की रणनीति बनानी होगी। ये मुश्किल काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। ये काम हो सकता है और ये काम हमें करना है। नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली संततियां हमें माफ नहीं करेंगी। हाँ, यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में दो बातें कही जिनका जवाब देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूं यहां कि आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत जो शर्तें बातचीत के लिए लगा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। समझ नहीं रही कौन सी शर्त, किस शर्त की बात की जा रही है। हमारे शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समारोह में आने का न्योता दिया था, आमंत्रण दिया था, तो क्या कोई शर्त रखी थी? मैं स्वयं इस्लामाबाद गई थी और कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल डायलॉग हमने शुरू किया था इकट्ठे बैठकर, क्या कोई शर्त रखी थी? प्रधानमंत्री मोदी काबुल से दिल्ली आते हुए लाहौर उतर गए थे, कोई शर्त लगा कर गए थे क्या? ये कौन सी शर्तों की बात हो रही है? सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि शर्तों के आधार पर नहीं, मित्रता के आधार पर हमने पाकिस्तान के सारे विवाद सुलझाने की पहल की थी और मित्रता भी सहजता की तरफ जा रही थी। कभी ईद की शुभकामनाएं, कभी क्रिकेट की शुभकामनाएं, कभी
स्वास्थ्य के हाल का कुशल क्षेम। हमने दो बरस में मित्रता का वो पैमाना खड़ा किया जो उससे पहले कभी नहीं था, लेकिन हमें मिला क्या बदले में? पठानकोट, उरी, बहादुर अली, इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है। तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। अध्यक्ष जी, मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमने जो काम किए हैं वो तो हम गिनाएंगे ही, जो नहीं किए वो भी गिनाने चाहिए। मैं ऐसे दो काम गिनाना चाहती हूँ। पहला है CCIT यानी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। सन 1996 से भारत द्वारा ने प्रस्ताव दिया है, 20 साल गुजर गए। आज 2016 में भी हम CCIT निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा सके। इसी कारण हम कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं बना सके हैं जिसके अंतर्गत आतंकवादियों को सजा दी सके या उनका प्रत्यार्पण हो सके। इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ये सभा पूरे दृढ़ निश्चय के साथ जल्द CCIT को पारित करें। दूसरी बात, जैसे आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें एक समकालीन नीति चाहिए, उसी प्रकार हमें एक ऐसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी चाहिए जो आज के वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल हो। अधिकांश देशों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र 1945 की वैश्विक परिस्थिति के अनुरूप सिर्फ कुछ ही देशों के हितों की रक्षा ना करे, चाहे वो किसी संस्था की बात हो या मुद्दों की। हमें आज की वास्तविकता और चुनौतियों के अनुसार काम करना होगा। आज सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों सीटों में विस्तार की आवश्यकता है जिससे सुरक्षा परिषद समकालीन बन सके। मेरा अनुरोध है कि इस आम सभा की इच्छा अनुसार IGN प्रक्रिया, जो टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन शुरू हुई है, उसको हम जल्दी प्रारंभ करें। यदि ये दोनों चिर प्रतीक्षित कार्य आपके इस कार्यकाल में हो जाते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सभा का ये 71वां अधिवेशन बहुत ही सार्थक साबित होगा। अध्यक्ष जी, 21वीं सदी पर शुरुआत से ही अशांति और हिंसा का साया रहा है, परंतु मिलजुल कर प्रयास करने से हम इसे मानव सभ्यता के इतिहास में एक स्वर्णिम युग में बदल सकते हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। I thank the Minister for External Affairs of India for her statement. I now give